तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड यंगस्टर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप भी कहीं कॉल लगा रहे हैं, कॉल बार बार कट जा रही है, आपके फोन से तरह तरह की दिक्कत आ रही है, कॉल नहीं लग रही, कॉल कट जा रही है, कोई भी सिम हो। तो दोस्तों यहाँ पे होता है कि अक्सर कुछ छेड़छाड़ फोन में हो जाती है, कुछ सेटिंग वगैरह हो जाती है, सेटिंग में चेंजेज वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमको होती है। तो दोस्तों घबराइए मत, खास करके इस वीडियो में सब कुछ ट्रिक सब कुछ सेटिंग आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आज देर क्यों करेंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप मेरी 4 से 5 मिनट की वीडियो पूरा यदि वॉच कर लेते हैं तो आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कॉल वगैरह कट क्यों हो रही, कॉल क्यों नहीं जा रहे, सब कुछ तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को आखिरी में लाइक करेगा, जब आप संतुष्ट हो जाएगा, जब आपकी कॉल वगैरह जाने लगे तब मेरी वीडियो को आखिरी में लाइक करेगा, नहीं तो मत करेगा दोस्तों। वैसे आपकी मर्जी, आए देर क्यों करेंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और लाइव स्क्रीन लगाते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे यदि हमारी कॉल बार बार कट हो जाती है, किसी को कॉल करते हैं तो बार बार कॉल कट हो जाता है, तो कैसे इसको फिक्स करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। नॉर्मली कुछ सेटिंग होता है जिसके मदद से हम आपको कुछ सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे यदि हम किसी को कॉल करने जाते हैं, डायल करते हैं, तो हमारी कॉल कट जाती है, हमको प्रॉब्लम होता है। एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर से अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन बार को स्वाइप करेगा और यहाँ पे देखिएगा, यदि ए वाला एक ऑप्शन होगा एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड का, यदि ए ऑप्शन ऑन है चालू है तो इसको बंद कर दिया, क्योंकि आपका कॉल वगैरह नहीं जाने देगा। और यदि इसमें आप कॉल करेंगे, ये फ्लाइट मोड ऑन रहेगा, कॉल करेंगे ना किसी को, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बार बार लिखेगा रेडियो आप इस तरह से टर्न ऑफ लिखेगा, ठीक है। पहली सेटिंग है या आई और भी सेटिंग, 3-4 सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सीखते हैं कि यदि हमारा कॉल इंडेड होता है तो कैसे फिक्स करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली ध्यान देने वाली बात है, हमको क्या करना चाहिए, अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, हो सकता है आपका फ़ोन दूसरे कंपनी का हो, मेरा MI का है तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन ऊपर दिखा रहा है, हो सकता है आपका दूसरे कंपनी का फ़ोन होगा तो नीचे दिखाएगा। आपको क्या करना है, कुल मिला के सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, जिस नंबर से आप कॉल, मतलब जिस सिम से कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहे, उस सिम पे आपको टैप कर देना है। जैसे हम एयरटेल वाले से कॉल कर रहे हैं और एयरटेल वाले से कॉल नहीं लग रही है, तो इसे मैंने टैप कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें यह हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे दिखेगा यूज वोल्टी का, इस ऑप्शन यदि बंद है तो इसको ऑन कर दीजिएगा, वापस से चालू कर दीजिए, ये चालू होना चाहिए तभी कॉल जाएगी। दूसरी जो ऑप्शन है वह यह है कि ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इस पर टैप करिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, प्रेफर LTE, प्रेफर 3G और 2G। आपको पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, LTE को। मेरा MI का फ़ोन है तो LTE लिखा, हो सकता है आपके दूसरे कंपनी का फ़ोन होगा तो यहाँ पे पहले पे लिखा होगा 2G, 3G, 4G एक ही लाइन में लिखा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और यदि LTE दिखा रहा है तो ऐसे इस पर क्लिक कर देना है और वापस से बैक आना है। और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नेटवर्क का, इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पे यदि यह ऑफ है सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। बैक आ जाएगा, ठीक है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, एक बार और बैक आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे देखिएगा तो दिखेगा डायल का ऑप्शन, इस डायल वाले ऑप्शन पे टैप करिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि अक्सर होता क्या है। मान लीजिए मेरे एयरटेल वाले नंबर में रिचार्ज है, ठीक है, और हम क्या है हमारे BSNL की सिम सेलेक्ट है, इसमें रिचार्ज ही नहीं है, तो जब भी कॉल करेंगे तो BSNL से जाएगी, एयरटेल से जाएगी, नहीं तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एयरटेल जिस सिम में रिचार्ज है वाली सिम को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो अब वापस से कॉल करेंगे तो कॉल जाने लगेगी, यदि फिर भी कॉल आपकी नहीं जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, इतना सेटिंग कुछ करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन बार को स्वाइप करके एरोप्लेन मोड को 5 सेकंड के लिए ऑन करिएगा, फिर 5 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, वापस इसको बंद कर देना है, फिर कॉल करेंगे तो कॉल जाने लगेगी। यदि फिर भी आपकी कॉल नहीं जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ करना चाहिए। स्विच ऑफ करके जैसे वापस से चालू करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे तो कॉल आपकी जाने लगेगी। तो दोस्तों यह कुछ तरीका था जिसके मदद से आपकी कॉल जाने लगेगी। और यहाँ पे फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूँगा, सब कुछ सेटिंग करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करिएगा 1 मिनट के लिए, फिर से वापस से खोलेगा, फिर आपके कॉल जाने लगेगी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन में रिचार्ज होना जरूरी है, कम से कम 49 रुपये का रिचार्ज, नहीं तो दोस्तों अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कोई ना कोई होना चाहिए तभी कॉल जाए, क्योंकि फ्री वाली कॉल अब नहीं लगती है। ये कुछ नॉर्मली बेसिक टिप्स हैं जो मैंने आपको बताया। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।